अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको ये गले का स्टाइल बनाना सिखाएंगे, जिसमें हमने एक डबल पट्टी दी है, एक सादी और एक में हमने सिलाई लगाई है और ऊपर हमने कॉलर लगाया है। चलिए शुरू करते हैं किस तरह तैयार किया है। तो पट्टियाँ काटेंगे हमने, ये 1 इंच चौड़ी है, ठीक है, और इसकी लंबाई है 15 इंच। इन दोनों पट्टियों को हम कपड़े पे चिपका लेंगे। कपड़े को हम उल्टा रख लेंगे, एक पट्टी हम इस साइड पे चिपका लेंगे और एक पट्टी इस साइड में चिपका लेंगे। दोनों पट्टियां चिपका लें, ठीक है। ये 1/2 इंच का यहाँ पे गैप रखा है, तो यहाँ पे भी 1/2 इंच का गैप छोड़ के कटिंग कर लेंगे। इस पट्टी पे हम सिलाई लगाएंगे पर्पल के कलर की, ठीक है। मैं आपको मशीन में बताऊंगा कि हमें धागा किस कहाँ पे ऊपर लगाना है या नीचे लगाना है, ठीक है। तो इस पट्टी को हम पहले तैयार कर लेते हैं, इसे स्प्रे कर लेंगे। यहां से हम इसे मोड़ लेंगे, ये दबा हम काट लेंगे 1/2 इंच का गैप छोड़ के। यहां से भी हम इसे मोड़ लेंगे। अब ये दबा हम अंदर की साइड कर देंगे। अब इसकी दूसरी भी जो पट्टी है, इस पर हम मशीन पे सिलाई लगाएंगे धागे। अब ये पर्पल धागा जो है ना, बाबिन केस में भर लेंगे। इस धागे को हम खोल लेंगे बहुत सारा, इतना खोलना है जितना हमें पट्टी में लगाना हो बस। अब इसे हमें डबल, यहाँ से हमने डबल कर लिया इसे, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे भर लेंगे इस तरह। ये डबल धागा हम इसमें भर लेंगे, डबल धागा बॉबिन में भर लिया, ठीक है। अब इसे हम लगा लेंगे। और यहाँ ऊपर से हम इसे थोड़ा सा लूज कर देंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। और इसे यहाँ पट्टी पे हम निशान लगा लेंगे, ये हमारी पट्टी की उल्टी साइड है। इस तरह हम निशान लगा देंगे 1-1 इंच के गैप से। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह आ जाएगा। अब हम पूरी पट्टी में जाने इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। ये हमने उल्टी साइड ऊपर रखी है, सीधी साइड हमारी नीचे थी, ठीक है। पूरी पट्टी में सिलाई लगा ली, ये हमारी पट्टी के जो है ना सेंटर में बिल्कुल बॉक्स बन रहा है, बिल्कुल पट्टी पे, ठीक है। ये पट्टी हमने दूसरी काटी हुई है, इतनी ही चौड़ी। इसे यहाँ पे हम इस तरह रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमने पहली पट्टी तैयार की थी, उसी तरह हम ये पट्टी हम तैयार कर लेंगे। यहाँ से भी मोड़ लेंगे इसे और इस साइड से भी मोड़ लेंगे, इस तरह तैयार हो जाएगी पट्टी। तैयार कर ली, यहाँ से भी मैंने मोड़ लिया और यहाँ से भी मोड़ लिया, ठीक है।
दोनों पट्टियां यहां से बराबर है। ये हमारा फ्रेंड है, यहां से हम इसे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहां से 3.5 इंच पे, यहां से हम इसे शेप दे देंगे। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहां से हम इसे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहां ऊपर से कंधी से हम रखेंगे इसे, 15 इंच पे निशान लगा देंगे। इसी से स्केल को हम यहां से इस निशान पे मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो पट्टियाँ हमने तैयार की हैं, ये पट्टियाँ हम इसमें लगाएंगे। इसे हम खोल लेंगे। ये सादी पट्टी हम इस साइड पे लगाएंगे, ठीक है। जिस पे हमने सिलाई लगाई है वो इस साइड पे लगाएंगे। हम पहले सादी पट्टी लगा लेंगे। इसका ये दबाव है हमारी आधी पट्टी तक आएगा, ठीक है। यहाँ आधी पट्टी तक ये दबाव, ये जो हमने काटा है यहाँ से यहीं तक हम इसे काट लेंगे। नीचे वाली पट्टी हमारी नीचे चली गई, ये यहाँ पे इस तरह सेंटर हो गए, ठीक है। ये देखें, ये हमारा सेंटर जो है ना, इस पट्टी के साथ सेंटर में मिल रहा है। अब हम दूसरी पट्टी लगा लेंगे। अब ये जो हमारी यहाँ पे कट लगा हुआ है, यहाँ से हम इसे काट लेंगे। जो बुक जिस पट्टी में जिस साइड पे हमारी बुकरम है, इसे नहीं काटेंगे, नीचे वाली पट्टी को काटेंगे, ठीक है। यहाँ से भी हम इसे काट लेंगे। अब ये साइड भी हम नीचे के साथ अंदर ले जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह आ जाएगी हमारी पट्टी, यहाँ से हमारी बराबर होनी चाहिए, ये इस तरह बाहर नहीं आओ। इसे हमें इस तरह सेट करना है, यहाँ से बराबर हो हमारी, जो हम इसे सिलाई लगा लेंगे। ऊपर से भी देखना है हमें बराबर हो हमारी ऊपर से भी पट्टी। इस पट्टी से हम 1 इंच नीचे से काट लेंगे। यहां से मोड़ लेंगे। अब इस पट्टी को यहाँ से नाप लेंगे, हम 5 इंच तक हम इसे निशान लगा लेंगे और इसे यहाँ पे इस तरह मिला लेंगे, ठीक है। यहाँ पे
ये जितना हमने निशान लगा इसमें सर आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है? ऊपर हम कॉलर लगाएंगे। यहाँ से हम इसे बराबर रख लेंगे इस तरह। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसके साथ बैग जोड़ेंगे। कंधी की सिलाई लगा ली, ठीक है? ये हमारा कच्चा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगर इस तरह की आप सिलाई लगाना सीखना चाहते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे दबाव कम होता है तो ओवरलॉक भी करवा लेते हैं, फिर भी हमारे धागे यहाँ से निकल रहे होते हैं, ठीक है? तो इस तरह की सिलाई मैं आपको अपने चैनल पे सिखा चुका हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और एंड कार्ड में भी मिल जाएगा। तो इसका हम यहाँ से आला नाप लेंगे कि हमें कितने इंच का कॉलर काटना है। तो ये हमारा सेंटर का कट लगा हुआ है, 7.5 इंच आ रहा है, ठीक है? तो 15 इंच का हमें कॉलर काटना है हमारी बुकरा में। यहाँ से हम इसे शेप दे देंगे। यहाँ से इस तरह नाप लेंगे हम, ठीक है? 7.5 इंच। ये देखिए यहाँ पे हमारा तकरीबन 3 इंच का गैप आ रहा है। यहाँ पे हम इसे 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हम इसे इस तरह आड़ा कर लेंगे थोड़ा सा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कॉलर काट लिया मैंने, इसे हम कपड़े पे चिपका लेंगे। कपड़े पे कॉलर को चिपका लिया, ठीक है? बाकी कपड़े की मैंने यहाँ से कटिंग कर दी, 1/2 इंच का गैप छोड़ के, और इसे भी यहाँ से मोड़ के मैंने प्रेस कर लिया, ठीक है? इसे यहाँ से इस तरह डबल करेंगे और यहाँ पे हम इस सिलाई लगाएंगे। यहाँ से भी हम इसका 1/2 इंच का गैप छोड़ के कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे और इसे हम सीधा कर लेंगे। अब इसे हम प्रेस कर लेंगे। ये मैंने प्रेस कर लिया, ठीक है? यहाँ पे जो दबाव काटा था इसे भी मैंने प्रेस कर लिया। अब इस कॉलर को हम लगा लेंगे। पहले हम इसका सेंटर कर लेंगे, यहाँ पे कट लगा लेंगे। यहाँ से हम दबाव अंदर कर लेंगे। यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा गला तैयार हो गया।